हेलो एवरीवन आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के बी पी ए वन सेवेंटी टू के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप लोगों के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं तो फ्रेंड्स इस सब्जेक्ट का नाम है आप लोगों का गवर्नेंस इश्यूज़ एंड चैलेंजेस ये सब्जेक्ट बी प्रोग्राम वाले स्टूडेंट के पास होता है और आज की इस वीडियो के अंदर जो क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं वो आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बिना स्किप करें चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर वन से ठीक है सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोगों का

क्वेश्चन नंबर सेकंड पे यहाँ पे दे रखा है आप लोगों को एग्जेमाइन द रोल ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स इन इंडियन गवर्नेंस सिस्टम एक्सप्लेन द कंसेप्ट एंड फॉर्म्स ऑफ गवर्नेंस ये क्वेश्चन लिया गया है आप लोगों का चैप्टर सेकेंड और चैप्टर थर्ड से फिर अगला क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थ्री और क्वेश्चन नंबर थ्री पे यहाँ पे दे रखा है आप लोगों को मेक एन एप्रेजल्ट ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ पंचायत राज इंस्टीट्यूशन एंड सजेस्ट सुटेबल मेजर्स टू इम्प्रूव देयर फंक्शनिंग ये क्वेश्चन है आप लोगों का चैप्टर थर्टीन का तो आप लोगों को इसका आंसर वहाँ से ईजिली मिल जाएगा ये सभी टॉपिक्स आप लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ने हैं ये काफ़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एंड फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोगों का क्वेश्चन नंबर फोर क्वेश्चन नंबर फोर पे यहाँ पे दे रखा है आप लोगों को एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन ग्लोबलाइजेशन एंड सिविल सोसाइटी डिफाइन ग्लोबलाइजेशन स्टेट द रीज़न फॉर द राइज ऑफ ग्लोबलाइजेशन इस टाइप के कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को ग्लोबलाइजेशन और सिविल सोसाइटी के बीच का रिलेशनशिप बताना है फिर यहाँ पर आप लोगों को ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन बतानी है और किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन बढ़ा इसके रीजनस बताने हैं ठीक है इन तीनों क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को चैप्टर वन से मिल जाएंगे तो आप लोग इसके आंसर वहाँ से देख लीजिएगा एंड फिर अगला क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फिफ्थ और क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे यहाँ पे दे रखा है आप लोगों को मीडिया प्लेज अ पर्टीनेंट रोल इन गवर्नेंस कमेंट तो ये जो क्वेश्चन है ये आप लोगों का चैप्टर नाइन से लिया गया है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मीडिया से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों का हर साल आता है तो आप लोग इस टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा मीडिया के टाइप्स हो गए या मीडिया की डेफिनेशन हो गई ठीक है ये सब अच्छे तरीके से आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा एंड फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोगों का क्वेश्चन नंबर सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स पे यहाँ पे दे रखा है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ पब्लिक सर्विस एंड आइडेंटिफाई द फैक्टर्स दैट प्रमोट इफेक्टिव पब्लिक सर्विस डिलीवरी ये क्वेश्चन है आप लोगों का चैप्टर फिफ्टीन का चैप्टर फिफ्टीन से ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है और ये भी आप लोगों का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखिए फ्रेंड्स ये जितने भी आप लोगों के क्वेश्चन हैं ये प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर पर बेस्ड हैं और साथ ही साथ आप लोगों की बुक के क्वेश्चन को भी इंक्लूड किया गया है तो अगर आप लोग अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो आप लोगों को इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ना होगा आप लोग इनका स्क्रीन लेते हुए चलिए या फिर वीडियो को पोज करके आप लोग इन्हें नोट डाउन भी कर सकते हैं ठीक है और फ्रेंड्स अगर आप लोगों को इन सभी क्वेश्चन का पीडीएफ लिंक चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा मैं आप लोगों को इन सभी क्वेश्चन पीडीएफ लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी जहां से कि आप लोग इन्हें डाउनलोड कर, कर। अपने एग्जाम की प्रिपरेशन और भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं और अपने अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं ठीक है तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर सेवन पे यहाँ पे आप लोगों को दे रखा है डिस्कस इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म ऑफ इंश्योरिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन गवर्नेंस ये क्वेश्चन आप लोगों का चैप्टर ट्वेल्थ से है फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर एट और क्वेश्चन नंबर एट पे यहाँ पे दे रखा है आप लोगों को राइट अ ब्रीफ नोट ऑन इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आईसीटी इनिशिएटिव्स इन इंडिया ये क्वेश्चन है आप लोगों का चैप्टर एट से. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर नाइन और क्वेश्चन नंबर नाइन पे यहाँ पे आप लोगों को दे रखा है डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्वमेंट इन गवर्नेंस साइटिंग सुटेबल एग्जांपल्स ये क्वेश्चन आप लोगों का चैप्टर फोर से लिया गया है और इसका आंसर आप लोगों को वहाँ से मिल जाएगा एंड फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आप लोगों का क्वेश्चन नंबर टेन क्वेश्चन नंबर टेन पे यहाँ पे दे रखा है आप लोगों को एक्सप्लेन द रोल ऑफ पार्टिसिपेटरी स्ट्रक्चर्स एंड टूल इन इंश्योरिंग गुड गवर्नेंस ये क्वेश्चन है आप लोगों का चैप्टर फोर्टी का एंड ये बहुत ही ज्यादा इम्पोटेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में पूछा जा चुका है तो आप लोग इसे अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा फिर अगला क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर इलेवन और क्वेश्चन नंबर इलेवन पे यहाँ पे दे रखा है आप लोगों को एक्सप्लेन द डायमेंशन ऑफ डिसाइजेशन एंड लोकल गवर्नेंस ये क्वेश्चन आप लोगों का लिया गया है चैप्टर थर्टीन से फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व और क्वेश्चन नंबर ट्वेल पे यहाँ पे आप लोगों को दे रखा है ब्रिंग आउट द रेलिवेंस ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये क्वेश्चन है आप लोगों का चैप्टर फिफ्टीन से एंड फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर थर्टीन क्वेश्चन नंबर थर्टीन पे यहाँ पे दे रखा है इेट द मीनिंग सिग्निफिकेंस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस ये वाला क्वेश्चन आप लोगों का लिया गया है चैप्टर टेन से तो फ्रेंड्स आप लोग इन्हें नोट डाउन करते हुए चलिए और अगर आप लोगों को किसी और सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना सब्जेक्ट नेम मीडियम के साथ मैंशन कर सकते हैं और आगे अगर आप लोग ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग चैनल से कनेक्ट रहिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर कर साइड में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को आने वाली सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन बिल्कुल करेक्ट टाइम पर मिलते रहे और आपके एग्जाम के प्रिपरेशन अच्छी तरीके से हो पाए ठीक तो है तो चलिए बढ़ते हैं आपने अगले क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर फोर्टीन क्वेश्चन नंबर फोटीन पर यहाँ पे दे रखा है आप लोगों को एक्सप्लेन द रोल ऑफ पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव इन ऑपरेशनल फ्रेमवर्क ऑफ गवर्नेंस ये क्वेश्चन है आप लोगों का चैप्टर थ्री से फिर अगला क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 15 पे यहाँ पे आप लोगों को दे रखा है डिस्क्राइब द वेज ऑफ स्ट्रेंदनिंग डेमोक्रेसी थ्रू गवर्नेंस मेजर्स ये क्वेश्चन आप लोगों का चैप्टर थ्री से लिया गया है एंड फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन पे यहाँ पे दे रखा है आप लोगों को वी कैन लुक एट डेवलपमेंट थ्रू डिफरेंट अप्रोचेस इलेट ये क्वेश्चन आप लोगों का चैप्टर इलेवन से है और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में रिपीट हो चुका है एंड फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन जहां पर कि आप लोगों को शॉर्ट नोट लिखने के लिए बोला गया है और यहाँ पे ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो एज अ शॉर्ट नोट आप लोगों से पूछे जा सकते हैं एज अ डिफरेंशिएट भी पूछे जा सकते हैं और एज अ क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं तो फ्रेंड्स ये टॉपिक आप लोगों के बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग इनको नोट डाउन कर लीजिए फर्स्ट नंबर पे है आप लोगों का सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट जो चैप्टर एलेवन से है एंड फिर सेकेंड नंबर पे है आप लोगों का गवर्नेंस इंडिकेटर जो चैप्टर थ्री से है एंड फिर थर्ड नंबर पे है आप लोगों का माइलेनियम डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ये चैप्टर फाइव से लिया गया है आप लोगों का एंड फिर फोर्थ नंबर पर है आप लोगों का कंसेप्ट एंड थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट ये भी आप लोगों का चैप्टर फाइव से लिया गया है एंड फिफ्थ नंबर पर है आप लोगों का फॉर्म्स ऑफ गवर्नेंस ये आप लोगों का चैप्टर सेवन से लिया गया है ये जितने भी टॉपिक हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एंड फिर सिक्स नंबर पे है आप लोगों का यहाँ पे गवर्नेंस एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड गवर्नेंस ये भी चैप्टर सेकेंड से है एंड सेवन्थ नंबर पे है आप लोगों का चेंजिंग रोल ऑफ ब्यूरोक्रेसी चैप्टर सेवन से लिया गया है ये टॉपिक ये जितने भी टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन है इनके सामने इनके चैप्टर नंबर मेंशन है वहाँ से आप लोग इनके आंसर्स को या इन टॉपिक्स को अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो ठीक है एंड फिर एट नंबर पे है आप लोगों का स्टेक होल्डर थ्योरी एंड नाइन्थ नंबर पे है आप लोगों का टाइप्स ऑफ मीडिया टेंथ नंबर पे है पर्पस ऑफ सोशल मैपिंग एलैंथ नंबर पे है फिर आप लोगों का सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिटी स्कोर कार्ड एंड ट्वेल्थ नंबर पे है आप लोगों का पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस ये जितने भी क्वेश्चन हैं आप लोगों के चैप्टर फोर्टीन से लिए गए हैं लास्ट वाले तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप लोग इन्हें नोट डाउन कर लीजिएगा एंड फिर अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर एटीन क्वेश्चन नंबर एटीन पर यहाँ पर दे रखा है एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ सेवेंटी एंड सेवेंटी फोर्थ ये क्वेश्चन है आप लोगों का चैप्टर थर्टीन का तो फ्रेंड्स ये आप लोगों के एटीन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो आप लोग इन सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से नोट डाउन कर कर इन सभी के आंसर्स को फाइंड आउट कर कर अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिएगा बाकी अगर आप लोगों को किसी और सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना सब्जेक्ट मीडियम के साथ मेंशन कर सकते हैं और आगे ऐसी ही वीडियोज देखने के लिए आप लोग चैनल से कनेक्ट रहिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर कर साइड में एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को आने वाली सभी वीडियोज की नोटिफिकेशन बिल्कुल करेक्ट टाइम पर मिलते है और आपके एग्जाम के प्रिपरेशन अच्छे तरीके से हो पाए तो फ्रेंड्स बस आज की वीडियो में इतना ही अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और भी स्टूडेंट की हेल्प हो पाए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो